दोस्तों आप देख रहे हैं आपके गुरु चैनल। से बात करने वाला हूँ निर्दलीय प्रत्याशी बिहार में दोस्तों जो है बीजेपी और आरजेडी को जो है दोस्तों खेल बिगाड़ते हुए नजर यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों आखिर कौन कौन से प्रत्याशी हैं, कई जगह पे चुनाव हो चुका है, कई जगह पे चुनाव होना बाकी है, आखिर कौन कौन से जो मेन प्रत्याशी दोस्तों जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके चलते दोस्तों जो है वहाँ पे काफी टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है। दोस्तों तो मैं एक करके बात करने वाला हूँ। सबसे दोस्तों जो पप्पू यादव का जो है चुनाव हो चुका है, पूर्णिया से चुनाव लड़े थे और यहाँ पे दोस्तों आरजेडी और बीजेडीयू के पार्टी को काफी टक्कर दिया है और माना जा रहा है कि पप्पू यादव जो है यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों दूसरा था दोस्तों नवादा से गुंजन सिंह जो है चुनाव लड़ा। दोस्तों सिंगर गुंजन सिंह है, कलाकार हैं और जो यहाँ पे काफी दमखम के साथ जो है यहाँ पे चुनाव लड़े। जीत हार तो दोस्तों मालूम नहीं है, गुंजन सिंह का भी कहना था कि जीत हार तो होता रहता है, मगर जो काफी टक्कर के साथ में जो है गुंजन सिंह यहाँ पे चुनाव लड़े और माना जा रहा है कि गुंजन सिंह जो है बीजेपी का ही वोट काटे थे। दोस्तों तो नवादा यहाँ पे भी जो दोस्तों जो है चुनाव हो चुका है। तीसरा दोस्तों आईपीएस आनंद मिश्रा जो बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, आईपीएस छोड़ के आने के बाद से जो है यहाँ पे चुनाव में दोस्तों जो है माना जा रहा था इनको ही टिकट यहाँ से मिलेगा बीजेपी की तरफ से, मगर बीजेपी की तरफ से इनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद से दोस्तों जो है यहाँ पे बीजेपी की तरफ से दोस्तों मिथिलेश कुमार को टिकट मिला और जो है अब जो है आनंद मिश्रा जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, काफी टक्कर दे रहे, काफी भीड़ हो रहा है और काफी जो है दोस्तों जो है यहाँ पे इनके नाम की चर्चा भी है दोस्तों और लोग चाह भी रहे कि आईपीएस आनंद मिश्रा यहाँ से जीत हासिल करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 जून को चुनाव है। चौथा दोस्तों हिना साहब जो सिवान से चुनाव लड़े, पूर्व सांसद मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी है, 3 बार चुनाव हार चुकी थी, मगर इस बार जो काफी दमखम के साथ जो जब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है तो काफी दमखम के साथ जो चुनाव यहाँ पे लड़ रही है दोस्तों, वो काफी भीड़ देखा जा रहा है। दोस्तों माना जा रहा है कि इस बार जो हिना साहब जो है सिवान से जीतते हुए नजर आ रही है। दोस्तों हर समाज हर जात के से जो है इनको सपोर्ट मिला हुआ है, इस बार माना जा रहा है कि हिना साहब जो है जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो है काराकाट में दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। दोस्तों जो इनको आसनसोल से टिकट मिला हुआ था, उसके बाद जो दोस्तों इन्होंने इनकार कर दिया, उसके बाद से जो दोस्तों जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों पवन सिंह जो है बीजेपी यहाँ पे दोस्तों जो है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का भी नींद हराम किया हुआ है दोस्तों, और जो खास और जो है दोस्तों इंडिया गठबंधन के भी उम्मीदवार का दोस्तों माना जा रहा है कि यहाँ से भी जो है काराकाट से पवन सिंह जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे चुनाव जो है 1 जून को है। उसके बाद दोस्तों जहानाबाद से आशुतोष कुमार जो भुयार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर है और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के फाउंडर है दोस्तों, आशुतोष कुमार भी दोस्तों काफी दमखम के साथ से दोस्तों जो है जहानाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग जो दोस्तों जो थे कि काफी टक्कर दे रहे थे, पिछले बार मनीष कश्यप भी थे, मनीष कश्यप जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से जो है वहां से चुनाव लड़ने मना कर दिया दोस्तों, बीजेपी हो या फिर जो दोस्तों जो है इंडिया गठबंधन, दोनों को है जो काफी टक्कर ये लोग जो है दे रहे दोस्तों। दोस्तों आपका क्या मानना है कि जगह से कौन जीत हासिल करते हुए नजर आ रहा है, जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब।